Business News is brought to you by Winner Institute. नमस्कार, मैं भाग्यश्री। बीसीएन न्यूज के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। सरकार ने चीनी मिलों को गन्ने के रस से एथेनॉल बनाने की दी मंजूरी। दी जाने वाली चीनी की अधिकतम सीमा 17 लाख टन। साल 2024 में भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, USISPF अध्यक्ष जॉन चेम्बर्स ने कहा। भारत अमेरिका रणनीतिक सहयोग फोरम USISPF के अध्यक्ष जॉन चेम्बर्स ने एक बात कही है। उन्होंने कहा कि साल 2024 में भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर आगे बढ़ता रहेगा। भारत दुनिया की नंबर वन अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जॉन के मुताबिक इस समय भारत अपने इतिहास के महत्वपूर्ण क्षणों में है। वह इस क्षण को अपने कब्जे में करेगा, प्रगति पर आगे बढ़ेगा और आने वाले वर्षों के लिए अवसर भी पैदा करेगा। 2023 भारत अमेरिकी साझेदारी के लिए अहम वर्ष रहा। 2024 में भारत अमेरिका दुनिया के सबसे अहम रणनीतिक साझेदार बनने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NBC न्यूज। चीनी मिलों में एथेनॉल बनाने के लिए सरकार ने आपूर्ति 2023-24 के लिए मंजूरी दे दी है। एथेनॉल बनाने के लिए गन्ने के रस और बी हैवी शीरा दोनों का इस्तेमाल करने की शुक्रवार को मंजूरी दे दी है, लेकिन इसके लिए दी जाने वाली चीनी की अधिकतम सीमा 17 लाख टन तय की गई है। सरकार ने यह फैसला एथेनॉल बनाने के लिए गन्ने के रस और चीनी शीरे के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के एक सप्ताह बाद किया है। दरअसल उद्योग जगत इस फैसले को वापस लेने की मांग कर रहा था। केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि मंत्रियों की एक समिति ने शुक्रवार को अपनी बैठक में यह निर्णय लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, NBC न्यूज। IDBI बैंक और एक्सिस फाइनेंस जैसी राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण न्याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान जे एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड यानी जील को नोटिस जारी किया। हालांकि NCLT के चेयरमैन न्यायमूर्ति अशोक भूषण और सदस्य अरुण बरोका की 2 सदस्यीय पीठ ने सुनवाई के दौरान विलय प्रक्रिया पर कोई रोक लगाने से इनकार कर दिया। अपीलीय न्यायाधिकरण ने जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड को जवाब दाखिल करने और दोनों याचिकाओं को सुनवाई के लिए 8 जनवरी को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, NBC न्यूज। शुद्ध प्रत्यक्ष का संग्रह भारत सरकार ने चालू वित्त वर्ष के पहले 8 महीनों यानी अप्रैल नवंबर अवधि में बजट अनुमान बी का 58.34% पहुंच गया है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक प्रत्यक्ष पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 23.4% अधिक है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक प्रत्यक्ष पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 23.4% अधिक है। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक रिफंड जारी करने से पहले सकल कर संग्रह अप्रैल नवंबर अवधि में 17.7% बढ़कर 12.77 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से नवंबर तक कुल 2.3 लाख करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, NBC न्यूज। बैंक लॉकर में आधे से ज्यादा ग्राहकों ने हाल ही के दिनों में बैंक सुविधाएं बंद कर दी है या बुजिल केवाईसी जरूरतों और शुल्क में वृद्धि के कारण इस तरह के कदम पर विचार कर रहे हैं। एक सर्वेक्षण में यह जानकारी दी गई है। यह सर्वेक्षण 11,000 उत्तरदाताओं पर किया गया, जिसमें कहा गया है कि अधिक शुल्क के कारण 36% लॉकर उपयोगकर्ताओं ने अपने बैंक लॉकर बंद कर दिए हैं। 16% ने कहा कि वे कम आकार के लॉकर में स्थानांतरित हो जाएंगे, जबकि 4% लॉकर को बंद करने पर विचार कर रहे थे। सर्वेक्षण में ये भी पाया गया कि 26% ग्राहक नए शुल्क से सहमत थे और लॉकर सुविधाएं जारी रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, NBC न्यूज। खबरें समाप्त करने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। सरकार ने चीनी मिलों को गन्ने के रस से एथेनॉल बनाने की दी मंजूरी। दी जाने वाली चीनी की अधिकतम सीमा 17 लाख टन। साल 2024 में भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, USISPF अध्यक्ष जॉन चेम्बर्स ने कहा। बिजनेस समाचार में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए NBC न्यूज। नमस्कार।